आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन, खास नजर में आपका खैर मकदम है। योगी सरकार ने गाय के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया है ताकि बीमार गायों को फौरी तौर पर अस्पताल ले जा सके, जहां 515 एम्बुलेंस गाड़ियां इस काम के लिए फराहम किए गए हैं। अगर जानवर की जिंदगी को बचाने के लिए किया जाए तो बेहतर है, मगर हिंदुत्व की ज़हनियत इसमें शामिल हो तो फिर सियासत होगी। लेकिन गुज़िश्ता 5 साल की मुद्दत का बगौर मुताला करें तो हमें पता चलता है कि हज़ारों अफराद की मौत हुई है। इनमें अक्सर अमवात सिर्फ इसलिए हुए हैं कि इनका बरवक्त इलाज नहीं हो सका, दवाइयां नहीं मिल सकी। कभी ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मौतें हो गई। नाज़रीन, गोरखपुर मेडिकल का मामला तो आप सभी को याद होगा, किस तरह बरवक्त ऑक्सीजन नहीं मिलने से सैकड़ों बच्चों की मौत वाकई हो गई। इस मौके पर ऑक्सीजन फराहम करने वाले डॉक्टर कफील से भी आप सभी वाकिफ होंगे, किस तरह यूपी हुकूमत ने इन्हें सिर्फ इसलिए जेल भेज दिया कि इन्होंने हुकूमत की नाकामी को उजागर किया था। रोजाना पुलिस हिरासत में लोगों की मौतें हो रही हैं, मगर योगी हुकूमत को इंसानी जानों की परवाह नहीं है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2019 के एदाद व शुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 9 ज्यादा बच्चों की शरह अमवात के लिहाज से दूसरे नंबर पर है, जबकि 2016-2018 में हामिला खवातीन के अमवात के लिहाज से भी यूपी दूसरे नंबर पर है। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2021-2020 के मुताबिक शहरी इलाकों में सेहत खिदमात की हालत अच्छी नहीं है, जबकि देही इलाकों में तो हालात और भी अबतर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में किसी भी जिला अस्पताल में बिस्तरों की औसतन तादाद फी 1 लाख नफूस पर 13 है। नाज़रीन, आपको बता दें कि मोदी और योगी हुकूमत को गाय की परवाह नहीं है, मगर इख्तदार पर काबिज बनाए रखने के लिए इन्हें वोटों की जरूरत है, और इस वक्त गाय माता नहीं बल्कि वोट बैंक है।